हाय गाइस, मैं निकित बसवानी, शेयर खान का सब ब्रोकर और BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस का ओनर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि शेयर खान मोबाइल ऐप में ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं और इस ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पे इंडाइसिस दिखा रहे हैं और यहां पे म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स ऊपर आप सब देख सकते हैं। वो तो अभी फ़िलहाल आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप अभी बिगिनिंग में इन सब चीज़ों से आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अब आप जा रहे हैं मार्केट वॉच में। मार्केट वॉच में निफ्टी के सारे स्टॉक्स जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर, जैसे कि मैं निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ, निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं वो करंट मार्केट प्राइस में मेरे को दिखा देंगे पूरे के पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, A to Z। ओके, 50 स्टॉक्स। अब इनमें भी सबकी प्राइस दिखाएंगे, करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रही होगी। अब चलिए नीचे, मैं इसमें निफ्टी की जगह मैं दूसरे भी ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, सब कुछ है। चलिए ट्रेड और ट्रेड कोड पर चलते हैं। यहाँ पे मेन आप सर्च कर सकते हैं कोई भी आपको स्टॉक पे इंटरेस्ट हो। सपोज़ मुझे इंटरेस्ट है कोटक बैंक में ट्रेड करना है, तो मैं कोटक बैंक सर्च करूँगा, कोटक बैंक। ओके, इसमें आप देख सकते हैं बाय सेल है, नीचे चार्ट्स है। चलिए चार्ट्स पे क्लिक करते हैं। देखिए चार्ट्स आप देख सकते हैं, आप चार्ट्स देख के अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो कि प्राइस कैसे जाएगा, तो आप चार्ट्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स तो बहुत टेक्निकल है, ये आपको बाद में सिखाएंगे हम। अब दूसरा आ रहा है, मेरे को डिटेल कोड देखना है कि आज का हाई क्या है, लो क्या है, ओपन प्राइस क्या है। तो मैं डिटेल कोड में जाऊंगा, इसमें मेरे को दिखाएगा ओपन प्राइस क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, मार्केट डेप्थ। अभी तो मार्केट बंद है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएगा इसमें। फ्यूचर्स, ऑप्शन चेंज, फंडामेंटल्स, न्यूज़ आज नहीं दिखाएगा, क्योंकि न्यूज़ वैसे ही मार्केट बंद है आज। तो ओवरव्यू में आप ये सब देख सकते हैं, ओपन, हाई, लोअर वगैरह वगैरह, चार्ट्स भी है। तो चलिए अब मेन बात आती है ट्रेड कैसे करना है। अगर मेरे को इंट्राडे ट्रेड करना है, सपोज मेरे को बाय करना है, मैंने बाय किया इंट्राडे में, तो मेरे को बाय बिग ट्रेड करना है। अगर मेरे को इंट्राडे करना है तो या तो सेल करना है तो सेल बिग ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो मेरे को बाय करना है। अब मैं बाजू में नॉर्मल को नॉर्मल ही रहने दूंगा, ब्रैकेट में नहीं करूंगा। अब क्वांटिटी में अगर मैं 1 रखता हूं तो डिस्क्लोज क्वांटिटी मेरे को 0 रखनी है। अब मैं अगर क्वांटिटी में 10 करता हूँ तो मेरे को डिस्क्लोज क्वांटिटी में उसका 10% यानी कि 1। अब मैं इसमें 20 करता हूँ तो उसका 10% यानी 2। अब मैं 50 करता हूँ तो उसका 10% यानी 5। अब मैं 100 करता हूँ तो 100 का 10% यानी 10 मेरे को डिस्क्लोज क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज मैंने 100 ही रहने दिया। अब मैं प्राइस पे आता हूँ, मेरे को 0 पे अगर मैं लिख देता हूँ ना, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी उस पे आपका स्टॉक बाय हो जाएगा, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे तो नीचे आए प्राइस तो ही बाय करना है, तो सपोज मेरे को 1802 पे बाय करना है, तो 1802 में ऑर्डर लगा के प्लेस कर दूंगा। तो जब भी मार्केट प्राइस 1802 पे आएगा तो ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा, जो सब जैसे भी आपने रखा होगा ऑर्डर, बाय बिग ट्रेड या सेल। ट्रिगर प्राइस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैलिडिटी GFD को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लेस ऑर्डर आपको कर देना है, कंफर्म करना है। इसमें मार्जिन नहीं है इसलिए आपको भी नहीं दिखाएगा ऑर्डर प्लेस किया हुआ। तो चलिए अब समझो मैंने बाय तो कर लिया, अब मेरे को प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट लगाना है, तो मैं एक और बार जाऊंगा कोटक बैंक पे। अब मैंने बाय किया है 1802 पे सपोज, तो अब मेरे को टारगेट लगाना है, सपोज मतलब मेरे को टारगेट लगाना है, तो मैं वापस से सेल भी ट्रेड करूंगा, क्योंकि पहले मैंने बाय किया था, तो अब मेरे को टारगेट के लिए सेल करना पड़ेगा, नॉर्मल ही रहने देना है, जितनी क्वांटिटी बाय की है उतनी। ठीक है, अब मैंने बाय किया था 1802 पे, अब मेरे को टारगेट लगाना है 1810 पे, तो मैं टारगेट 1810 लगा के प्लेस ऑर्डर कर दूंगा कंफर्म। ये भी मेरा ऑर्डर पेंडिंग में आएगा, क्योंकि 1810 जब तक नहीं आएगा तब तक वो पेंडिंग रहेगा। अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं वापस से सेल पे क्लिक करूंगा, सेल बिग ट्रेड, क्योंकि पहले मैंने बाय बिग ट्रेड किया था जब खरीदा था। सेल बिग ट्रेड नॉर्मल 100 क्वांटिटी, जितनी भी आपने ली हो उसका 10%। अब मैंने स्टॉप लॉस लगाना है 1790 का स्टॉप लॉस, तो मैंने 1790 लगा दिया, प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब ये दो ऑर्डर आपके पेंडिंग रहेंगे जब तक वो प्राइस उधर तक नहीं आती, यानी अगर आपका टारगेट है 1810 का, तो जब तक प्राइस 1810 नहीं आती तब तक आपके बाय किए हुए शेयर सेल नहीं होंगे, और या तो जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक आपके 1790 तक नहीं जाता है तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और सपोज आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपको स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको टारगेट वाले ऑर्डर को कैंसिल कर देना है। और गाइस याद रखिएगा, टारगेट हिट होने पे स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर कैंसिल करना कंपलसरी है, भूलना मत, नहीं तो आपका
एडिशनल सेल हो जाएगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट वाले ऑर्डर को कैंसिल करना बिल्कुल मत भूलना, ये दो कंपलसरी आप याद रखना। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी चीज़ों पे, दूसरे स्टॉप्स में आता है। अब मैं को देखना है डीपीए होल्डिंग, डीपी होल्डिंग में मेरे को दिखाएगा आपने जो इंट्राडे नहीं लिए हैं वो स्टॉक्स। अब नेट पोजीशन, नेट पोजीशन में आज का मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखाएगा। अभी जो आप देख सकते हैं कि मेरा ये पीएल है, एमटीएम पीएल, वो मेरा करंट पोजीशन है। अब बुक कर लूंगा ना अगर मैं प्रॉफिट टारगेट या स्टॉप लॉस, तो बीपीएल में मेरा दिखाएगा पूरा, ठीक है। ये सब आपको समझ पड़ जाएगी जैसे जैसे आप यूज़ करोगे स्टॉक को। ये इंट्राडे लिमिट है, सपोज आपने जिस पे बाय किया है उस पे आपका मार्जिन कितना यूज़ हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट यूज़ हुआ है वो दिखाएगा। तो ये सब आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे ऐप को वैसे वैसे सीख जाएंगे। और अब ये निफ्टी के मार्केट वॉच में, सपोज इसमें से आपको कोई एक स्टॉक पसंद आ गया है ट्रेड करने के लिए, तो उस पर क्लिक करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं या डिटेल्स देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ऐप है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, ठीक है। गाइस एक और बात याद रखिएगा कि बिग ट्रेड ऑर्डर्स में आपको 10 times मार्जिन मिलता है, यानी कि आप 1000 के इन्वेस्टमेंट में 10000 का क्वांटिटी, 10000 के 10000 क्वांटिटी का वर्थ का माल उठा सकते हो। यानी आप 10000 है आपके पास तो 1 lakh rupees का माल उठा सकते हो, ठीक है। ये याद रखना आप बिग ट्रेड में।